बाहर बाज रहे टोल नगारे, लाल जोड़े च खड़ी महिला एक इसे व्याह दा जश्न नहीं बल्कि एक आशिक दा जलूस कटिया जा रहा है। लाल जोड़ा पाई खड़ी ए तीन बच्चियां दी मां है जिस दे एक शख्स नाल 9 साल तो प्रेम संबंध सन, पर हुन उस दी आशिक ने व्याह करवाने तो मना कर दिता है। उस दा फोन भी नहीं चुकदा ते इस तीन बच्चियां दी मां ने अपने आशिक पीछे घर बार छड़ के टोल नगारे लेके नाड़ी वांगू तैयार होके आशिक दे घर दे बाहर पहुंच गई है ता जो हर किसी नु पता लग सके कि ए उसका आशिक है अते उसका खुलासा कर सके। दरअसल अपने एक आशिक दी करतूत तो तंग आई इस तीन बच्चियां दी मां ने, पहला ता अपने पति ते बच्चियां नु छड्या है ते फिर ढोल नगारे लेके लाल जोड़े च सज धज के आशिक दे घर दे बाहर पहुंच गई है उसके नाल ब्याह करवाउण दे लई, जिस पिछे सारा पिंड ही इकट्ठा हो गया है। इस महिला का कहना है कि उसका 9 साल तो इस शख्स के नाल प्रेम संबंध है, प्यार है, पर हुण उसका आशिक ना तो उसका फोन चुकता है ते ना ही उस नाल गल करता है, जबकि इस तो पहला जो इस नु मिली सी तो उसने पहली बार मिलन तो बाद इसकी एक वीडियो बना ली जिसनु दिखा कि उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया ते ए कहन लग गया कि जेकर उसके नाल शारीरिक संबंध ना बनाए तो उसके पति नु ए वीडियो दिखा देगा, जिस करके डरती हुई इस महिला ने उस शख्स के नाल संबंध भी बनाए, दोनों दे विच प्यार भी वध्या। महिला दा खुद दा दसना है कि पहला उस दा आशिक उस नू बहुत प्यार करता सी, पर हुन उस दा फोन भी नहीं चुकदा, जिस करके उस नू एक कदम चुकना पिया है अपने पति ते अपने बच्चा नू छड़ के उस दे घर दे बाहर पहुंची है, ढोल नगारे लेके व्याह करवाउण दे लई आई है ते पूरी सज धज के हाथ च संदूर दी डब्बी फड़ के ओह इत्थे अपने आशिक नू व्याह करवाउण दे लई कह रही है। यह मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तो सामने आया है जिथे एक व्याहता दे वलों अपने आशिक दे पिछे घर बार छड़ दिता गया, टोल वाजे लैके अपने आशिक दे घर दे बाहर पहुंच गई, लाड़ी दे वांग सज के व्याह लई तैयार भी हो गई, पर उसके आशिक दे वलों उसका हाथ हाले भी नहीं फड़िया गया। इस महिला का नाम विभा दसिया जा रहा है जो कि अपने आशिक का नाम संदीप दस रही है, जिस नाल 9 साल तो उसके संबंध सन ते हुण उसका आशिक उसनू देखने लई भी तैयार नहीं है। ढोल नगाड़िया नाल आई इस लाड़ी नू देख के पूरा पिंड इकट्ठा हो गया अते फिर जो खुलासा होया कि आखिर इस औरत दे नाल होया की है तो फिर उस आशिक संदीप दे घर दे बाहर ही लोगों का इकट्ठ लग गया। इस व्याहता प्रेमिका का कहना है कि उसने पुलिस च भी शिकायत की सी पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, जिस करके उसनू एक कदम चुकना पिया है ते खुद ही वो इस आशिक दे घर पहुंची है तो उस नाल व्याह करवाने लिए आई है। बाजे के साथ यह है सर कि हमको 9 साल से संदीप रखे हैं, हमसे विंध्याचल में शादी भी किए और शादी के झांसा दे करके पहले वीडियो एसएमएस बना लिए हैं। अब वीडियो बना करके बोले हैं कि तुम्हारे पति को भेजेंगे, तुम्हारे भाई को भेजेंगे अगर मेरे साथ तुम सोई नहीं तो। फिर करते 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 हम दबाव में उनके साथ ऐसा काम किया और 9 साल हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। आप शादीशुदा हैं क्या? हाँ हम शादीशुदा हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं हमारे। इनसे कब संपर्क हुआ? इनसे 2015 में संपर्क हुआ। क्या कहाँ कहाँ आपने आज गुहार लगाई? हम गुहार लगाए पहले रायपुर थाने में, रायपुर थाने से हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, थाने वाले सुलह समझौता बुलाए, फिर इन लोग कहें कि हम शादी करेंगे, फिर बीच में घूम गए, फिर हम गए कप्तान सर के लिए, कप्तान सर हमको इजाजत दिए कि जाइए कोतवाली, कोतवाली से इजाजत मिली कि जाइए संदीप के घर, वहाँ से फिर हम एप्लीकेशन घुमा दिए थाने पर चौकी पे। रायपुर थाने में जब एप्लीकेशन दी थी क्या आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं सुनवाई यहाँ बिल्कुल नहीं हुई। क्या आश्वासन मिला यहाँ? बस वो पहले आया तो सर बोल दिए कि जाइए आपके हम कोई मदद नहीं कर सकते। सर कितना दिन हो गया एप्लीकेशन दिए? ये हो गया करीब नहीं तो सर 25 दिन आया। 25 दिन से अभी आपको दौड़ाया जा रहा है? दौड़ाया जा रहा है, कोई सुनवाई हमारा कहीं नहीं हो रहा है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है कि हमको अन्याय दिया जाए। आसपास के लोग जानते हैं? हाँ हमारे आसपास के लोग अगल बगल वाले सब आए हैं, हैं? चल के घर भी देख लीजिए, नहीं कि फर्जी आए हैं। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं संदीप जैसे हमारा घर परिवार बसा बसाल तोड़े हैं वैसे हमारे साथ घर बसाएं, हमसे शादी करें, ये चाहते हैं।